नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले कि आप किस तरह से सैमसंग गैलेक्सी M12 या फिर F12 में स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। स्क्रीनशॉट क्लिक करने के इस फोन में आपको चार अलग अलग तरीके मिल जाते हैं। आप चार अलग अलग तरीकों से सैमसंग गैलेक्सी M12 और F12 में स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले हम उन चार तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे, बाद में हम देखेंगे उसकी सेटिंग्स को और देखेंगे किस तरह से आप जो स्क्रीनशॉट है उसको एडिट भी कर सकते हो। तो सबसे जो पहली मेथड है स्क्रीनशॉट क्लिक करने की, वो है हार्डवेयर किसकी। तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करके छोड़ना पड़ता है, तब स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको याद रखना है दोनों बटन को आपको प्रेस करके रखना नहीं है, आपको प्रेस करके तुरंत छोड़ देना है। आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दोनों को एक साथ प्रेस कीजिए और तुरंत छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट क्लिक करनी हुई, आपको मान लो स्क्रॉल स्क्रीनशॉट पूरे पेज के स्क्रीनशॉट अगर क्लिक करनी हुई, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको उसी तरह से स्क्रीनशॉट क्लिक करना है और फिर नीचे में आपको यहाँ पे स्क्रॉल बटन दिखाई देगा, ये वाला, आपको उस पर टैप करना है और जितना एरिया आपको कवर करना है आप इस पर टैप करते रहिए और फिर हो जाए तो आपको इस पर टैप करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ पे मिल जाएगी इस तरीके से। दोस्तों, जो दूसरा तरीका है वो है एज पैनल से। तो आपको पता होगा इस फोन में आपको एज पैनल भी मिल जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे स्वाइप करोगे एज पैनल पे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टेक स्क्रीनशॉट, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो इस तरीके से। ये सबसे आसान तरीका है स्क्रीनशॉट क्लिक करने का, आपको बस स्वाइप करना है और वन टैप में आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। अगर आपके फोन में एज पैनल इनेबल नहीं है तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। आपको जाना यहाँ पे सेटिंग्स में, डिस्प्ले में एज पैनल्स को आपको यहाँ पे इनेबल करना है सबसे पहले और फिर इस पर टैप करना है और फिर आपको यहाँ पे टैप करना है पैनल्स पे और फिर आपको यहाँ पे टास्क वाला जो पैनल है इसे इनेबल करना है, टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा टास्क वाला एज पैनल, आप यहाँ पे देख सकते हो। जितने भी पैनल आपने यहाँ पे इनेबल किए होंगे आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे और ये होता है टास्क वाला, जिसमें होता है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। आप यहाँ पे वन टैप करके स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों, जो तीसरा तरीका है वो है असिस्टेंट मेनू का। तो असिस्टेंट मेनू को इनेबल करने के लिए आपको जाना यहाँ पे सेटिंग्स में, फिर आपको जाना यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में, इंटरेक्शन एंड डेक्सटरिटी में, और यहाँ पे आपको असिस्टेंट मेनू को इनेबल करना है। जैसे आप इसे इनेबल करोगे आपको यहाँ पे एक सर्कल दिखाई देगा, एक फ्लोटिंग बटन आप यहाँ पे देख सकते हो। आप जैसे इस पर टैप करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन स्क्रीनशॉट, आप इस पर टैप करके भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको इस फ्लोटिंग बटन को कहीं पे हाइड करना है, साइड में रखना है, तो आप उसे हाइड भी कर सकते हो। आपको इस पर टैप करना है और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा शो एज एज आइकन, आपको इसे इनेबल करना है। अब आप देखोगे जो आइकन है ये वाला, ये हाइड हो चुका है। जब आप इस पर टैप करोगे तभी आपको यहाँ पे इसके ऑप्शन दिखाई देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जब आपने स्क्रीनशॉट क्लिक कर दिया, वापस यहाँ पे उसका आइकन आ जाएगा, हाइड हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप इसे मूव भी कर सकते हो ऊपर नीचे कहीं पे भी, यहाँ पे या वहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से आप फ्लोटिंग बटन, जैसे कहते हैं असिस्टेंट मेनू, इसका यूज करके आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, जो चौथा तरीका है स्क्रीनशॉट क्लिक करने का वो है गूगल असिस्टेंट के जरिए। तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट बोलना है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्लिक हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे स्वाइप करोगे इनक्लाइन में स्क्रीनशॉट, गॉट इट, टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे क्रिएट नोट पे टैप करना है और फिर आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है इस पे, इस स्क्रीनशॉट पे, और यहाँ पे करना है सेव इन गैलरी। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जब आप टैप करोगे आपको मिलेगा सेव इन गैलरी, तो आप इस स्क्रीनशॉट को गैलरी में सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चार तरीके से स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। अगर आपके फोन में गूगल असिस्टेंट का जो स्क्रीनशॉट फीचर है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे जी पे टैप करना है, इस विजेट वाला जी पे, और फिर आपको यहाँ पे मोर में जाना है, जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन, इस पे टैप करना है और फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है, जाना है जनरल में, आपको मिल जाएगा ऑप्शन जनरल, और आपको यहाँ पे यूज स्क्रीन कॉन्टेक्स्ट, आपको इसे इनेबल करना है। इसके बाद जो स्क्रीनशॉट का जो फीचर है वो इनेबल हो जाएगा। और दोस्तों, जब भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर रहे हो आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपको यहाँ पे नीचे में एक टूल बार दिखाई देता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे होता है एडिट का बटन और ये होता है शेयर का बटन। तो अगर आपको यहाँ पे ये टूल बार दिखाना है, अगर आपके फोन में टूल बार नहीं दिख रहा है, तो आप उसे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो आपको जाना यहाँ पे सेटिंग्स में, आपको जाना यहाँ पे एडवांस फीचर में, फिर आपको यहाँ पे टैप करना है स्क्रीनशॉट पे, और आपको यहाँ पे चार सेटिंग्स मिल जाती है। इसमें होता है पहला स्क्रीनशॉट टूल बार। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक करते हो तो आपको नीचे में यहाँ पे टूल बार दिखाई देता है। अगर आपको इसे नहीं देखना है तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसे अब स्क्रीनशॉट क्लिक करूंगा तो मुझे नीचे में स्क्रीनशॉट का जो टूल बार है वो नहीं दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो।
लेकिन अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। फिर होता है हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार। दोस्तों कई बार होता है कि हमें स्क्रीनशॉट क्लिक करनी पड़ती है बिना स्टेटस बार के, हम नहीं चाहते कि स्क्रीनशॉट में कितना टाइम हुआ है, क्या क्या आइकन से नेटवर्क क्या है और जो बैटरी परसेंटेज क्या है वो नहीं दिखनी चाहिए स्क्रीनशॉट में, तो आप उसे हाइड भी कर सकते हो, इसीलिए आपको इसे इनेबल करना है। अगर मैं इसे इनेबल करके स्क्रीनशॉट क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट में मुझे स्टेटस बार नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में ब्लैक पट्टी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टेटस बार आप यहाँ पे नहीं देखोगे। तो इस तरीके से आप जो स्टेटस बार है, नोटिफिकेशन बार है, उसे हाइड कर सकते हो अपनी स्क्रीनशॉट में। दोस्तों फिर होता है डिलीट शेयर्ड स्क्रीनशॉट। दोस्तों कई बार होता है कि हमें केवल एक ही बार किसी स्क्रीनशॉट को शेयर करना पड़ता है किसी के साथ, बाद में हम नहीं चाहते कि वो स्क्रीनशॉट गैलरी में सेव हो जाए, तो आप किसी स्क्रीनशॉट को अगर शेयर करते हो उसके बाद जो स्क्रीनशॉट है ऑटोमेटिकली तुरंत डिलीट हो जाएगी, तो आप इसे यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। अब मान लो मैंने इसे इनेबल कर दिया है, अब ऐसे में अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे टूल बार के जरिए शेयर करूंगा यहां से, मान लो मैंने यहाँ पे जीमेल पे इसे शेयर कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे इसे जीमेल पे सेंड कर दिया। अब अगर मैं गैलरी में चेक करूंगा तो मुझे स्क्रीनशॉट वो नहीं दिखाई देगी क्योंकि मैंने उसे शेयर कर दिया है और शेयर होने के बाद वो तुरंत डिलीट हो चुकी है। तो आप इस तरीके से किसी भी स्क्रीनशॉट को अगर आप शेयर करते हो टूल बार के जरिए तो जो स्क्रीनशॉट होती है वो डायरेक्टली डिलीट हो जाती है एक ही बार शेयर करने पर। तो आप इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इसके बाद होता है यहाँ पे फॉर्मेट, आपको स्क्रीनशॉट का फॉर्मेट कौन सा रखना है, जेपीजी या पीएनजी, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अब देखते हैं आप किस तरह से स्क्रीनशॉट को एडिट कर सकते हो स्क्रीनशॉट को क्लिक करने के बाद। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट को क्लिक कर दिया, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसे एडिट करना हुआ स्क्रीनशॉट को, तो यहाँ पे टूल बार के जरिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिट का, आप इस पर टैप करोगे तो आप स्क्रीनशॉट को यहाँ पे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग जो साइज की जो यहाँ पे पेन है, मार्कर है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, उसकी थिकनेस आप कम ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन भी मिल जाता है, फिर यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलता है, आप शेयर कर सकते हो कहीं पे, या फिर इसे आपको सेव करना हो तो आपको यहाँ पे सेव भी करने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो, इस तरीके से आपको जितना क्रॉप करना है उतना आप यहाँ पे देख सकते हो, और फिर इतना करने के बाद आपको कर देना है सेव। तो दोस्तों आप इन चार अलग अलग तरीकों से अपने सैमसंग गैलेक्सी M12 या फिर F12 में स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट को एडिट कर सकते हो और उसकी जो सेटिंग्स है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल है M12 या फिर F12 के रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।